गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। निधि क्रिएटिव रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए, लेकर आए हैं हम आज स्पेशल होली के लिए गुंजिया। तो आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें डाला है 1/2 कप देसी घी और 1 चुटकी भर डालेंगे हमें सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को अच्छे से मैदा में मिक्स करना है इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, और इसको अभी चिकना नहीं करना है, बस इसको अच्छे से इकट्ठा करके ये देख जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हमको अपना आटा लगाना है। और इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। चलिए, इतने बनाएंगे हम अपनी स्टफिंग। 1 चम्मच देसी घी और 1/4 कप सूजी लेकर भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सूजी रेडी है। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप सूखा नारियल रोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गुंजियों को काफ़ी टाइम तक हमें स्टोर करके रखना होता है, तो हम इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं डालेंगे, उनको हल्का रोस्ट करके ही हमें यूज करना चाहिए। तो ये था मेरा एक टिप, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालें, उसको हमेशा रोस्ट करके ही डालें। और ये मैंने लिया है खोआ, 400 ग्राम है, इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी और इसको एक प्लेट में निकालूँगी ठंडा होने के लिए। अभी ये थोड़ा गर्म है और मैंने इसमें सूजी मिला दी है। तो सूजी और खोए को मिलाने से हमारा जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छी और खिली खिली बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो ये मेरा 2nd टिप था। इसमें मैंने कल चिरौंजी डाली है और ये डाला है 1 कप शुगर पाउडर। आप चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, बट आपके यहाँ शुगर पाउडर मिलता है तो उसे ही यूज करें। ये देखिए, मेरी स्टफिंग अच्छे से तैयार है, कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। चलिए अब अपने डो को देखते हैं। तो इसको अब अपने हाथों से मल लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से चिकना करके सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मेरे 20-25 के करीब पेड़े बन गए थे और ये मैंने 2 कप मैदा में बनाया है। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4-5 पूड़ियाँ पहले ही बेल कर रख लेंगे इस तरह से। ज़्यादा पतला मोटा ना बेलें और इसको मीडियम ही बेलें, और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने 5 पूड़ियाँ बेल ली थी। चलिए अब इसमें भरेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग हम भरेंगे 2 चम्मच और इसके किनारों पर लगाएंगे हम पानी। आप मैदा का घोल भी लगा सकते हैं, बट मैं पानी ही यूज करती हूँ। और इसको अच्छे से दबाते हुए, और अब लेंगे हम एक साँचा और इसको भी अच्छे से दबाएंगे चारों तरफ से, और जो इसकी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हटा देंगे। और ये देखिए, हमारी गुंजिया तैयार है। आप अपने हाथों की सहायता से भी इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म है। ऑयल को हमें बहुत ही मीडियम करना है गर्म,
ज़्यादा तेज गर्म में ना डालें, जिससे क्या होगा हमारी जो गुंजिया है उसका फटने का भी डर रहता है और वो जल्दी पक जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो आप बहुत ही मीडियम ऑयल में इसको डालें। तो ये था मेरा थर्ड टिप, तो आप इनको ध्यान से फॉलो करें। और जब हमारी गुंजिया देख आप देख रहे हैं कि ऊपर तैर कर आ गई हैं, और जब भी आप इनको पलटें, अन्यथा इन्हें बार बार ना छेड़ें। तो ये था मेरा फोर्थ टिप, और इनको पलट पलट कर हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल फटी भी नहीं है। आप इनको बिल्कुल स्लो गैस पर सेकें, तो इससे क्या होगा ये कुरकुरी भी बनेंगी और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। चलिए हमारी गुंजिया रेडी है, अब करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी ये बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।